चल गया तो आपको मैं दिखाऊं कि इंस्टाग्राम कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे यूज़ करें। ये देखो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी लगा दी है कंप्यूटर में, तो ये मेरे सामने आ तो रहा है। मैं इसको लाइक भी कर सकता हूँ, ठीक है, कमेंट भी कर सकता हूँ, पर मैं इसको सही तरह यूज़ नहीं कर सकता। अपनी कोई पिक्चर वगैरह अपलोड भी मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी मदद से हम आसानी से कंप्यूटर में इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं और हर चीज़ अपलोड वगैरह भी कर सकते हैं। ये एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। ओके, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन। ये डाउनलोड हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा ऑटो। ये हो गया इंस्टॉल। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक मरतबा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मोबाइल का एक ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा, आ गया। अब यानी मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक कमेंट भी यहाँ पे कर सकता हूँ, शेयर भी कर सकता हूँ फेसबुक और ट्विटर पे, और प्लस मैं होम पे भी जा सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ, यानी सारा मोबाइल का मेन्यू हो गया। और उसके अलावा अपलोड भी कर सकता हूँ, कोई चीज़ वगैरह मुझे अपलोड वगैरह करनी हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ अपलोड करके देता हूँ, ये मेरी एक तस्वीर है, ठीक है। अब ये देखो ये अपलोड भी हो गई। ये देखो अपलोड भी हो गई, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी इंस्टाग्राम कंप्यूटर पर चलाना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको भेज दूँगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।